उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ द्वारा आज अजमेर के जीसीए चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर रेलवे की कर्मचारी विरोध नीतियों व निजीकरण के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि रेलवे द्वारा लगातार रेलवे को निजी हाथों में बेचने की कार्रवाई की जा रही है, जिसका विरोध राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। इसी के तहत आज जिला स्तर पर मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया और मांग रखी गई थी कि रेलवे में निजीकरण नहीं किया जाए और ऐसा करने पर सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने कहा कि रेलवे विभाग व सरकार द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि रेलवे में कर्मचारी काम नहीं करे, जबकि सभी कर्मचारी अपना काम बखूबी इस तरीके से निभा रहे हैं, जिससे कि रेलवे को और प्रगति मिल सके। भारत सरकार का जो नीतिगत फैसला लेते हुए रेलवे का जो निजीकरण और निगमीकरण करते हुए रेल का अस्तित्व खत्म करने का जो नीति अपनाए जा रहे, इसके विरुद्ध पूरा नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में NFIR के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी ये प्रदर्शन के तहत ये जीसीए चौराहे पे उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा ये विरोध प्रदर्शन और भारत सरकार का पुतला जलाने का काम हमने किया है कि इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाह रहे रेल की वास्तविक स्थिति उसका सुधार के दिशा में काम न करते हुए बल्कि निजी हाथों में सौंपने का रणनीति तैयार किया जा रहा है। इस बोल साधारण भाषा में बोले तो पहले बदनाम करो उसके बाद उसको मारो, ये सिद्धांत भारत सरकार द्वारा रेलवे के प्रति अपनाए जा रहे, क्योंकि पहले रेलवे को बदनाम किया जा रहा है, रेल कर्मचारी काम नहीं कर रहे, इस तरह से बदनाम करते हुए भ्रम फैलाते हुए कि रेल को निजी हाथों में बेचने का एक माहौल तैयार करने का जो कार्य भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। साथियों, वास्तविकता क्या है, बहुत से ज़्यादा प्रतिवर्ष रेल कर्मचारी अपना जान अपना ड्यूटी के निर्वहन के बीच में गंवाता है। 35,000 करोड़ रेल यात्रियों से अगर रेलवे को घाटा हो रहा है उसके कारण रेल कर्मचारी नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा विभिन्न सब्सिडी है, तमाम सब्सिडी सांसदों को MLAs को अधिकारियों को सीनियर सिटीजन को फिजिकल हैंडीकैप्ड हो और सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए बहुत सारे सब्सिडी के नाम से लगभग 25,000 करोड़ रुपये रेलवे खर्च कर रहे, उसको देखे बिना किराए बढ़ाना एक राजनीतिक एजेंडा बन गया। इन तमाम चीज़ों को हाइड करते हुए इसको छिपाते हुए केवल रेल कर्मचारी और रेलवे का काम में सवाल निशान उठाते हुए बदनाम किया जा रहा है, उसके तहत इसको खत्म करने का इसको मारने का एक भूमिका तैयार किया जा रहा है। इसके खिलाफ रेल कर्मचारियों में आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए उद्देश्य से उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा ये आज मैंने बताया उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ वाला जीसीए चौराहे पर सभी कर्मचारी एक होकर भारत सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन करके सरकार को आगाह करने का काम किया। आज जीसीए चौराहे के ऊपर सरकार के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन किया गया और उसका पुतला जलाया गया, उसके पीछे मूल भावना यही है कि सरकार ने जो नीतियां बनाई है कि पहले आदमी को काम मत दो और काम नहीं देकर के ये जनता हो कि आदमी काम नहीं कर रहा है उससे रेल घाटे में जा रहा है। सरकार ने जो विभिन्न सब्सिडी देश के अंदर दे रखी है, जैसे स्पोर्ट्समैन को, विकलांग को, नेताओं को, MLA को, MP को, एक सर्विसमैन को, उसके कारण से रेलवे जा रही घाटे में और ऐसी कई सारी परियोजनाएं देश में चल रही है जो रेलवे के हित में नहीं और जो घाटे में चल रही है, उसके बावजूद भी सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन परियोजनाओं को चला रही है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जब जहाँ फायदा नहीं हो रहा ऐसी परियोजनाओं को चलाने का कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार चला रही है। उसके बाद सरकार के जो 6 बड़े बड़े प्रोडक्शन यूनिट हैं उनको उसने ठेके में देने का काम किया, जबकि वो प्रोडक्शन यूनिट आज भी फायदे में चल रहा है। इन सब नीतियों के विरोध के अंदर ही हम लोगों ने सरकार का पुतला यहाँ जलाया है। कितने दिन चलेगा ये आपका? हमारा 3 दिन चलेगा। आज हमने विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया, कल एक संगोष्ठी करेंगे कि रेलवे को कैसे बचाया जाए, उसके लिए कौन कौन सी योजना लाई जाए, उसके ऊपर कल हम लोग एक संगोष्ठी करेंगे SRI के अंदर, उस पर सभी लोग कर्मचारी जो विचार होंगे वो सरकार तक पहुँचाएंगे। परसों एक DRM ऑफिस के अंदर विरोध प्रदर्शन करेंगे मंडल कार्यालय के ऊपर।